हाय गाइज, मैं अमित जैन फ्रोजन शोल्डर से जुड़ी हुई नई जानकारियां आज आपके लिए लेकर आया हूं। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं और आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, अपना इलाज खुद से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। स्टे ट्यून विद अस। तो अब हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। सबसे पहले कंधे से जुड़ी हुई समस्याएं, शोल्डर से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, शोल्डर का जाम होना, शोल्डर की मूवमेंट का कम होना, हाथ का पूरा ऊपर ना उठना, हमारे मसल्स में स्टिफनेस का होना, कंधे का सूज जाना, शोल्डर जॉइंट का अपने कटोरी से में से जो हमारा जॉइंट है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसमें से जो ये हमारे हड्डी बनी हुई है इसमें एक कटोरी होती है जो इसको मूवमेंट बनाए रखती है, उस कटोरी का बाहर निकल जाना सब शोल्डर जॉइंट में आता है। लेकिन हम एक करवट लेकर रात को सो गए हैं जिसकी वजह से सूजन आ गई है, सर्कुलेशन वीक हो गया है और हमारा शोल्डर जाम हो गया, वो फ्रोजन शोल्डर में नहीं आता है, वो नॉर्मल स्टिफनेस है और आप अपना इलाज खुद से इसके लिए कर सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रोजन शोल्डर, आपने भारी सामान उठाया उसकी वजह से भी आपका शोल्डर जाम हो सकता है, क्योंकि आपकी हो सकता है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हों, उसके लिए आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, मसल्स में इतनी पावर नहीं है आपने जितना भारी सामान उठाया जिसकी वजह से मसल्स में खिंचाव आ गया है, आपका सर्कुलेशन वीक होने की वजह से मसल्स में स्टिफनेस आ गई है, सूजन आ गई है जिसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है। स्वेलिंग सिम्टम्स में आती है, पेन है, स्टिफनेस है और हमारे बॉडी में इसकी मूवमेंट, हमारे शोल्डर की मूवमेंट भी फ्रोजन शोल्डर के अंदर आती है। और अब आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में कि आप अपने इलाज खुद से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके जो लोकल पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा सूजन है, मतलब आपको शोल्डर में हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है, तो आप इन पॉइंट्स पे प्रेशर नहीं करेंगे, बाकी किसी भी सिचुएशन में आप इस पॉइंट पे मसाज कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले LI-15 ये पॉइंट आता है, शोल्डर पर आगे की तरफ आता है, इस पॉइंट पर मसाज इस तरीके से करनी है। आप इमेज में इस पॉइंट की लोकेशन को क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से, ये LI-15 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है TW-14 जो कि शोल्डर के पीछे की तरफ आता है, ये जो हमारी हड्डी है शोल्डर, एक इसके पॉइंट आगे है और एक इसके पीछे, तो दो पॉइंट्स आपके ये हो गए, LI-15 आगे है और TW-14 पीछे है। और शोल्डर के ब्लेड के पास एक पॉइंट आता है SI-9, ये पॉइंट है, आप इस पर मसाज करेंगे अच्छे से। और GV-21 आपके बिल्कुल कंधे पर आता है, बिल्कुल इस पॉइंट पे प्रेस करने पे आपको वैसे भी पेन फील होगा, तो इन चारों पॉइंट्स पे आप मसाज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। साथ में LI-4 पॉइंट जो कि मास्टर पॉइंट है, पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द आता है तो इसके लिए आप LI-4 पॉइंट यूज करेंगे। एल्बो पर एक पॉइंट आता है LI-11, लोकेशन आप देख सकते हैं LI-11 की, बिल्कुल एल्बो क्रीज पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप मसाज करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है लेकिन नॉर्मल प्रेशर से आपको इस पर मसाज करनी है। दूसरा LI-11 के साथ में एक पॉइंट आता है LI-10, LI-10 पॉइंट पर मसाज करने से आपको शोल्डर अगर जाम है तो उसमें आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, तो इस पॉइंट पर आप मसाज कर सकते हैं। इसके साथ में सुजोक थेरेपी में हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथ में रिफ्लेक्ट होती है, तो हमारे शोल्डर का जो पॉइंट है इसमें हमारे इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, नेल के पास जो जॉइंट है हमारा इंडेक्स फिंगर में, इसमें हमें चारों तरफ से इस पॉइंट पे मसाज करनी है। देखेंगे इस तरीके से आप इसमें चारों तरफ से मसाज करेंगे, पहले इंडेक्स फिंगर और फिर आपकी लिटिल फिंगर के भी फर्स्ट जॉइंट पे आप इसमें पूरे से अच्छे से मसाज करेंगे, आपको शोल्डर के पेन में, कंधे के दर्द में तुरंत आराम आ जाएगा, इसके लिए आपको इस पॉइंट पे मसाज करनी है। तो सबसे पहले आपको करना है इंडेक्स फिंगर पे मसाज करना है और फिर करना है आपको लिटिल फिंगर पर, इन दोनों पॉइंट्स पे आपको मसाज करना है। अब बात आती है ऑरिकुलर थेरेपी में, हमारी पूरी बॉडी जैसे हाथ में रिफ्लेक्स होती है ऐसे ही हमारे कान में भी पूरी बॉडी रिफ्लेक्ट होती है, तो इसमें शोल्डर के जो पॉइंट्स हैं उन पर मसाज करना है। जैसे एक पॉइंट आपका ये आएगा, ये वाला पॉइंट शोल्डर का है, इमेज में आपको ये इमेज क्लियर हो रही है कि लोकेशन इसकी कि ये कहाँ पर है, तो एक पॉइंट ये है और एक इसके नीचे पॉइंट है, तो आप इन दोनों पॉइंटों पे मसाज करेंगे, साथ में इनके पीछे भी आप मसाज करेंगे, इन दोनों पॉइंटों पे हम आगे और पीछे दोनों की तरफ मसाज करेंगे। साथ में ईयर लोब पर गाल की तरफ हम इसमें मसाज करेंगे, ये पॉइंट भी नर्व के लिए है, अगर नर्व में ब्लॉकेज है, सर्कुलेशन वीक है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट भी काम करेगा। तो हमने तीन पॉइंट आपको कान में बताए, पहला ऊपर की तरफ,
दूसरा उससे थोड़ा नीचे जो ये गड्ढा है इसमें ये पॉइंट आते हैं, और एक आपके ईयर लोब पर। तो तीन पॉइंट्स हमने आपको ऑरिकुलर थेरेपी में कान का एक्यूप्रेशर जो होता है उसमें बताए, साथ में मसल्स में स्टिफनेस आई है, टिश्यू आपस में जुड़े हुए हैं, उसके लिए हमें टिश्यूज को अलग करना है, मसल्स को रिलैक्स करना है। तो मसाज तो हमें पॉइंट्स पे करनी ही है, साथ में पूरे शोल्डर पे हमें सिकाई करनी है, पूरा जो शोल्डर का एरिया है हमें इस पर सिकाई करनी है ताकि हमारी मसल्स को रिलैक्स किया जा सके और हमें आराम दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो के बारे में अपना फीडबैक दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो के फ्रोजन शोल्डर के बारे में लोगों को जागरूक करें। और आप अगर किसी को अधिक समस्या है तो हमारे सेवा धाम प्लस सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.sevadham.org। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 9711341010। हमारे यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ओजोन थेरेपी से इलाज किया जाता है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। आपको भी अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। बी हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।